जो कि चाइनीज़ मेहंदी है, और ये सूट एक्चुअली मुझे प्रमोशन के लिए आया था, तो वो अभी करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर मेहंदी मैं लगा रही हूँ इस हाथ में, क्योंकि कल पूजा भी होगी, तो अभी यहाँ लगा लेती हूँ, इस हाथ मनुष्य का लगा देती हूँ, क्योंकि बस कुछ नहीं किया है, ऐसे राउंड राउंड ही लगाया है, तो जल्दी जल्दी इसको लगा लेते हैं। बाकी मेरा मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये नहीं, मैं चाय बिस्किट खा रहा हूँ। चाय बिस्किट खा रहा हूँ। आप कैसे हैं दादाजी? क्या बोल रहे हैं आप? कैसे हैं दादाजी? आप सब ठीक हो क्या? क्या पूछो, आप कैसे हैं? जोर से बोलो, इतना धीरे भी नहीं बोलो। फिर यहाँ हम लोग चले गए थे सुपरमार्केट, और वहाँ पे क्या हुआ था ना कि चीनी का पैकेट फट गया था, वो चीनी नीचे से गिर गया, तो यहाँ हम लोग की थोड़ी लड़ाई हो गई, लड़ाई नहीं हो गई मतलब बहस हो गई। ये जो थे डिलीवरी बॉय बोल रहे हैं, शॉपकीपर, वो बोल रहे थे कि आपको ऊपर से दे रहे हैं चीनी, आप लेके जाओगे? तो हम लोग बोले कि यार लेके नहीं जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बोलने लग गया, तो आप देख सकते हो जैसे कि उनके एक्सप्रेशन। तो हम लोग बोले कि कोई बात नहीं है, मैंने बोला मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना वो बिल्कुल वो नहीं है, और ये स्मार्ट रिलायंस वाले जो है वो उनसे लिए थे हम लोग, स्मार्ट फ्रेश पता नहीं क्या है पॉइंट है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि नहीं तुमको ये लेके जाना पड़ेगा, रुको मैं बुला के लाता हूँ। और हम लोग क्यों लेके जाते, नीचे से खुद पटा था, पैकेट नहीं रखे थे ये लोग, और पीछे लड्डू परेशान कर रहा है छुटकी को, तो वॉइस में दिक्कत आ रही है। यहाँ घर आके मैंने सोचा कि चलो आलू और दही वाली सब्जी बनाते हैं, थोड़ा सा ग्राउंडनट्स मैंने वो कर दिया था लड्डू के पापा को खाना था, क्योंकि भूख लग गई थी, और यहाँ रोटी की तैयारी थी, और इधर कढ़ाई में मेरे को अब आलू डाल के फ्राई करना था, आलू छाछ वाला जो बनाते हैं, तो आलू को बॉईल करके आलू को हम लोग फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद से मतलब इतना इजी रेसिपी है ना ये, बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्टी चटपटा सा लगता है, अगर आप लोग को चटपटा खाना पसंद है। तो यहाँ आलू को थोड़ा सा फ्राई किया नमक डाल के, तो वॉइस ओवर में छुटकी को एक्चुअली लड्डू परेशान करता था तो थोड़ा रोने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने डाला है ऑनियन, मिर्च, जीरा, और आलू को फ्राई करके निकाल लिया। मैं जब बनाती हूँ ना कोई भी चीज़ तो सोचती हूँ कि यार मतलब शूट करने में और टाइम लग जाता। यहाँ दही लिया है अपने क्वांटिटी के हिसाब से, फिर धनिया डाला है उसमें, नमक डाला है अपने स्वाद के अनुसार, दही इसमें थोड़ी फटती भी है तो कोई बात नहीं है, वो नहीं दिखता क्योंकि वो ग्रेवी के उसमें हो जाता है थोड़ा लटपटा सा। और हल्दी डाला मैंने ऑनियन में थोड़ा सा, और इसमें दही में भी थोड़ा सा, ताकि कलर थोड़ा सा येलो वाला आए, और इसको मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे से। इसमें मिर्च, जो भी चीज़ें आपको पसंद है मसाले आप डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च डाला है, ताकि ये इतना खट्टा चटपटा होता है कि बैलेंस हो जाए सब्जी की तरह। हम लोग ये भी एक ऑप्शन रख सकते हैं मतलब घर पे अगर जल्दी से कुछ बनाना है तो। उसके बाद से इसको मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से घोल करके, और ये ट्रस्ट मी आप लोग भी एक बार बनाइए, अगर आप लोग को कुछ मतलब चटपटा खाना अच्छा लगता है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब्जी बहुत जल्दी बनता भी है, और लड्डू के पापा ऑफिस जाने के लिए रेडी हुए हैं, तो लड्डू बोल रहा है पापा कहाँ जा रहे हो। यहाँ मेरा बैटर जो है वो रेडी हो गया था मतलब दही वाला, तब तक यहाँ पे प्याज भी भून गया था। अब ये मैं उठा करके डालूंगी कढ़ाई में इसको अच्छे से घोलने के बाद, और कंटिन्यूसली इसको चलाएंगे हम लोग, चलाते जाएंगे ताकि उतना फटे वटे ना। यहाँ पानी थोड़ा सा और मिक्स कर ली हूँ मैं, और उसके बाद से आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन कौन खाया है ये दही वाले आलू। मैं तो पहली बार चंडीगढ़ में खाई थी मेरी फ्रेंड के घर पे, उसके बाद से यहाँ पे सिया भाभी हैं वो बनाई थी तो खाई थी, उसके बाद तो मैं खुद ही बनाई थी, और अब फिर मैंने बोला कि चलो मैं बनाती हूँ।
और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज किस किस को खाना पसंद है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं खाया तो एक बार ट्राई तो कर सकते हैं, उसके बाद भले जो भी हो आप लोग खाना नहीं खाना। तो ये मेरी थी आलू की रेसिपी, आप देख सकते हो। रात का दूध ये रात में फट गया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने इसमें नींबू डाल के पनीर खा लिया। देखते पनीर भुर्जी या जो भी बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा सफाई वफाई हो चुका है और हमारी जो दीदी थी वो वापस आ चुकी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है कि दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे निकाले रूम में भी हम लोगों ने सब क्लीन कर दिया, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया। मैंने यहाँ दो साड़ियाँ निकाली हैं और अब ये डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा पहने, ये पहने या ये पहने। तो इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, ब्लू है, लेकिन ये है कि मेरे को रेड दुपट्टा ओढ़ना ही है, तो इसीलिए सोच रहे हैं। ये वाला भी सुंदर लग रहा है एक्चुअली में, ये वाला भी सुंदर लग रहा है, बट ये दोनों की दोनों साड़ियाँ मेरी मम्मी की है। तो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि क्या कौन सा साड़ी पहनूं पूजा के लिए। तभी देखते हैं क्या करते हैं, बिकॉज समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, बट इनमें से ही कुछ पहनना है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि सिल्क थोड़ा हल्का भी होता है और पूजा पे बैठ भी सकते हैं ज़्यादा देर हम लोग। लाल दुपट्टा लूँगी तो इस पर दिखेगा नहीं, इस पर लाल दुपट्टा दिखेगा, तो इसलिए सोच रही हूँ कि ये वाला पहन लूँ। इसका ब्लाउज भी पता नहीं क्या होगा, इसका ब्लाउज तो है, ब्लाउज इस दोनों का ही है। मेरे शादी के टाइम ही मैंने ये साड़ी ले ली थी, तो ये ड्राई क्लीन करके रखा हुआ है 6 साल से, तो आज सोचा पहन लेती हूँ, लेकिन ये है कि इस पे लाल दुपट्टा दिखेगा ही नहीं। फिर ये वाला पहनते हैं तब। तो मैं एक बार के लिए तो कंफर्म हो गई ग्रीन साड़ी पहनती हूँ, लेकिन तब तक मैंने मम्मी से सोचा कि पूछ लूँ। तो मम्मी यहाँ बना रही थी पुआ, तो मम्मी को मैं दिखाई कि मम्मी ये साड़ी पहनो कि ये साड़ी, तो मम्मी तो बोली कि वो वाला पहनो, पिंक वाला। लेकिन फिर मैंने बोला मेरे को लाल चुनरी भी ओढ़ना है, तो मम्मी बोली कि तब वो वाला पहनो, ग्रीन वाला। तो ये फाइनल हो गया। फिर मम्मी बोली ये कौन सा साड़ी है, पिंक वाला। तो मैं मम्मी को याद दिलाई कि मम्मी जब मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले एक फंक्शन में मैंने वो पहना था, जब वो टीचर का सम्मान समारोह होता है प्राइवेट स्कूल वाला, और उस टाइम मैंने होस्टिंग किया था, तो मैंने वो पिंक साड़ी पहना था। तो मम्मी को याद आया कि अच्छा हाँ ये तो उनका ही साड़ी है, क्योंकि शादी के पहले तो साड़ी होती नहीं थी हमारी। एक तो हाँ लड्डू के पापा को इसके बाद पूछा था, सब लोगों से कंफर्म कर करके तब अपनी दीदी से भी पूछा था, मेड दीदी से, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कौन सा पहनूं। फिर मम्मी ने बोला कि अच्छा ये कौन सा साड़ी है, तो दिखाई उनको खोल के, तो मम्मी बोली अच्छा ये वो वाला साड़ी है। फिर इसका भी पेटीकोट ब्लाउज सब था, तो मम्मी बोले कि कोई भी पहन लो, रेड चुन्नी ओढ़ना है तो ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा चलो लड्डू के पापा से भी पूछ लेती हूँ, एक बार कन्फर्म करती हूँ। वो थे नहीं घर पर, और मम्मी यहाँ पुआ 4 kg का बना रही थी। फिर रंजना ने फ़ोन लिया, तो मैं बोली कि यार पुआ तो तुम भी बनाती हो, क्योंकि मैं रंजना के हाथ का पुआ खाई हूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी, और नारियल का लड्डू भी खाई हूँ। तो यहाँ पे रंजना बोली दीदी कुछ है क्या, तो मैं बोली हाँ आज एक पार्टी है और आज मेरी छुटकी का 9 महीने का बर्थडे है, तो हम लोग पूजा रखे हुए थे, और आगे आप लोग को दिख जाएगा और किस चीज़ के लिए पार्टी था, मतलब पूजा था, वो आपको पूजा के समय ही दिख जाएगा। तो इस ब्लॉग को रहने देंगे यहीं तक। रंजना से बात हुई और बहुत अच्छा लगा सभी से, मतलब पूजा वगैरह। तो अभी तो व्लॉग आज दिन तक ही आ जाएगा, बिकॉज़ कल एक भी व्लॉग नहीं शेयर कर पाए थे, बिकॉज़ काम वाम कर रहे थे, पूजा पाठ, फिर भोग प्रसाद सब बना रहा था, तो उसी में लगे हुए थे, तो वो नहीं हो पाया व्लॉग शेयर। तो इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, यानी कि आफ्टरनून तक। और बाय बाय, टिल देन टेक केयर।